हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काम की नहीं मन की बात कर दोहरी राजनीति करती है मोदी सरकार। डोटासरा सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 13वीं विस्तारित कार्यशाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी मन की बात करते हैं, काम की नहीं। गैस, पेट्रोल, राशन सहित सभी चीजों की कीमतें आसमान छू रही है। मोदी सरकार के राज्य में 8 महीने में 40% तक महंगाई बढ़ी है। सीमेंट सरिये की बड़ी दरों से मजदूर व व्यापारी वर्ग त्राही माम कर रहा है। वे आज ब्रह्मा कुमारी के मनमोहिनी ऑडिटोरियम में कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यशाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। डोटासरा ने कहा कि कोरोना महामारी, बेरोजगारी, महंगाई को गिराने की जगह भाजपा की मोदी सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगी रही। डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार वैक्सीन देने में भी राजनीति से पीछे नहीं हटी। महामारी में हुई मौतों के लिए केंद्र की मोदी सरकार स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ सेवा दल के कार्यकर्ताओं को भी अब अग्रणी की भूमि निभाते हुए जनता को जागरूक करना होगा। मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को घर घर, गांव गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी हम आने वाले लोकसभा चुनाव में जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने ऑनलाइन वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी ही नहीं विदेश तक गहलोत सरकार का डंका बज रहा है। गहलोत सरकार कोरोना महामारी में जनता की हमदर्द बनकर उभरी है। सेवा दल के कार्यों की सराहना करते हुए डांगी ने कहा कि सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत की टीम ने खामोशी के साथ मेहनत की, जिसके चलते सफलता चारों तरफ शोर मचा रही है। सफल आयोजन के लिए सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी व प्रदेशाध्यक्ष का आभार जताया। डांगी ने कहा कि सभी को जिस तरीके से आजादी की लड़ाई के लिए जन आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतरना पड़ा था, इसी तरीके से अब पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जब लड़ना है इन चोरों से तो आवाज उठेगी जोरों से। कितकर्ज पर कार्य पर जनता को जागरूक करना होगा। 2024 के लिए अभी से कमर कस के कार्य करना होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी सत्येंद्र यादव, लालजी मिश्रा, शत्रुघ्न शर्मा, अमरजीत सिंह, योगेश यादव, बलराम भदौरिया, चंदन बैरवा, मित पटेल ने भी संबोधित किया। कार्यशाला के पहले सत्र में सेवा दल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि फूल मालाओं का उपयोग करना सेवा दल की परंपरा नहीं है। सेवा दल के सिपाहियों को फूल मालाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही करने देना चाहिए। हर ब्लॉक, तालुका, जिला स्तर पर ध्वजारोहण महीने आखिरी रविवार को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कार्य की रिपोर्ट ब्लॉक को, जिला व जिले को प्रदेश स्तर पर भेजनी चाहिए। इस दौरान सेवा दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश व दिल्ली इकाई में पदाधिकारियों से अलग से कार्यशाला ली, उनकी कार्य योजना की जानकारी ली, आने वाले एक वर्ष की कार्य योजना की जानकारी देते हुए अलग अलग प्रभार सौंपे। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।